हे एंग्लर्स, वेलकम टू फिश ऑन रीफ एंड सेट द हुक। तो एंग्लर्स, आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है। आज हमारे पास एक पार्सल आया है कब्राल आउटडोर की तरफ से। इन्होंने मुझे कुछ ल्योर्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए, जो कि इंडिया के जी मैन के डीलर्स है, और इन्होंने मुझे कुछ जी मैन के ही प्रोडक्ट्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए। बट मुझे पता नहीं है अंदर क्या क्या है, तो मैं आपके सामने इन चीज़ों को अनबॉक्स करूँगा और देखूँगा इन्होंने क्या क्या भेजा है और हमें क्या टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो जल्दी से हमारे पार्सल को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने भेजा है। इन्होंने मुझे सब जीमैन के प्रोडक्ट्स भेजे हैं, जो कि इनके सॉफ्ट प्लास्टिक्स है टेस्टिंग के लिए। तो एंग्लर, जैसा कि आप देख सकते हो, ये चार पैकेट इन्होंने भेजे हैं जीमैन के रबर शेड्स के, सॉफ्ट प्लास्टिक जो लूर्स है। एक डीजल मिनोज है, दूसरा भी डीजल मिनो है, ये डोर मेटाडोर है, और एक सेंटेड पैडलर ये है। और इसके साथ इन्होंने मुझे जीगेट भेजे हैं, ये भी जीमैन के हैं, और एक आई जी गेट भेजा है। रिगअप करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रिगअप करना बहुत सिंपल है। इसको पहले हमें मेजर कर लेना है कि हमें हुक कहाँ से बाहर निकालना है। हुक हमें यहाँ से बाहर निकालना है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट फिंगर पॉइंट अपनी रख लूँगा और इसको इसके माउथ में, माउथ के सामने से इंसर्ट कर दूँगा। और ये बराबर सीधे लाइन में ऐसा अंदर जाना चाहिए, और यहाँ से ऐसा टर्न करके इसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे। और ये जो आप देख रहे हो इसके आगे, इसमें एक्स्ट्रा बार निकले हुए हैं ताकि हमारा सॉफ्ट प्लास्टिक इसमें अच्छी तरीके से बैठा रहे मच्छी के हुकअप होने के बाद भी। जब हम कास्ट करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो हमारा रबर शेड कास्टिंग में ही बाहर आ जाता है, तो ये कास्टिंग में बाहर नहीं आएगा गाइस। इसको अगर ये जीमैन का जिगेट हम यूज़ करेंगे रेड आए, तो अभी इसको मैं रिगअप करके बता देता हूँ। काफ़ी तरीके हैं रिगअप करने के लिए। ये मेजरमेंट ले लिया, इसको मैं इसके बैक की तरफ से इंसर्ट करूँगा। जिगेट को उसके बैक साइड पे रखूँगा, बेली साइड पे नहीं रखना है। इसका मुंह हम यहाँ से उसके माउथ में से एंटर करेंगे हुक पॉइंट, और सीधा अंदर जाने देंगे एकदम स्ट्रेट। जब तक ये मेरे पॉइंट पे नहीं आ जाता, देखिए कैसे फ्लैप के बाहर से मैंने निकाला है, और इसको थोड़ा प्रेशर लगा के हमें इंसर्ट करना है इस तरीके से। देखिए कैसे फ्लैप के बीच में से निकला हुआ है। तो ये एक तरीका हो गया जिगेट का रिगअप करने का। दूसरा तरीका हम देखेंगे, इसको हमें अभी बेली साइड से एंटर करना है। बेली साइड से हम डालेंगे, सिर्फ इतना ही डालेंगे जितना ये इसका हुक का जो एंड यहाँ पर होता है, बस यहाँ तक इतना ही अंदर डालना है इस तरीके से। और हमें यहाँ से ऐसे इसको बाहर निकाल देंगे, और फिर इसको ऐसे गोल घुमा देंगे। गोल घुमा के यहाँ से अंदर डाल देना है इस तरीके से। और ये पीछे फ्लैप देख रहे हो, ये फ्लैप के बीच में से सेम जगह से ही हमें इसको वापस बाहर निकालना है। आप देख सकते हो पीछे तरफ ये हुक प्रॉपरली बैठा हुआ है। तो इसमें भी आप किस तरीके से भी मच्छी आके खींचेगी, तो इसके टूटने के चांसेस, गाइस फटने के चांसेस काफ़ी कम है। सुपर टफ, कितने भी मच्छी निकालो, ये एक पैसा बचाओ शेड है गाइस, तो आप ज़रूर अपने टैकल बॉक्स में इसको रखना। तो एक और चीज़ गाइस, सारे के सारे इसके सॉफ्ट प्लास्टिक जो है, जो ये फ्लोटिंग है पानी के सरफेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके का वेट डालोगे उस तरीके से ये रबर शेड्स रिएक्ट करेंगे पानी में,
अगर हम विदाउट वेट डालेंगे तो सरफेस, अगर थोड़ा सा कम वेट डालेंगे तो थोड़ा क्रैंक बेट की तरह काम करेगा, अगर थोड़ा ज़्यादा वेट डालेंगे तो और ज़्यादा डीप से आएगा। और एक चीज़ गाइज, इसको हम दूसरे रबर शेड्स के साथ नहीं रख सकते, या दूसरे किसी कोई भी ऑर्डिनरी बॉक्स में हम इसको रख नहीं सकते, और रखेंगे तो ये शायद से मेल्ट हो जाएगा। ये मेरे ऑर्डिनरी रबर शेड का बॉक्स है जिसमें हम ये ल्योर्स रखेंगे, और ये भी टेस्ट करके मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि ये मेल्ट होता है या नहीं होता है। और इसका हम डायरेक्टली अभी मच्छी के ऊपर टेस्ट करेंगे कि कितना फास्ट मच्छी इस पे रिएक्ट करती है। इसी डीजल मिनोज के बैक शेड पे मैंने बैरामुंडी पकड़ी है, आप ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक के हम इस ल्योर को बॉक्स में बंद रखेंगे और इस कैच के बाद निकालेंगे, तब तक देखते हैं ये मेल्ट होता है या नहीं। बैरामुंडी ऑन, बैरामुंडी ऑन ऑन रबर शेड ऑफ जी मैन। कैमरा क्या ना, कैमरा हमारा मजा और संभाल नहीं पकड़ा साधु से। हाँ मजा रील और मजा तो प्रतिशत नहीं तो जगह साढ़े तीन चार किलो से है तो मोटा है, छोटा है सात किलो का। मोटा है 7 किलो था ना, मोटा है 100%। कैमरा चालू है ना? चालू है सर, नहीं चालू रहो ते लाल लाल पेट्टे मंजे चालू है ना? चालू है। आखिरी दिया मतलब उड़न दिया चला? हाँ ओढ़ले ओढ़ले ना, कैमरा चालू है ना? चालू है सर। चालू स्टार्ट क्या करी क्या ये बात करो, ये भी करी हाथ तो ये भी गबले थे मैं क्या मोबाइल पर नहीं है। मारा मारा इकड़े कैमरा रबर शेड पे निकला है जी मैन, डायवा का रॉड रील। हाँ हाँ थांबा थांबा गायब झालेलो। अरे बाबा क्लीन बैरामुंडी ऑन जी मैन। थोड़ा नजीक से मारो और अपर शेड पे मारो। थैंक यू, चलो आ जाओ अपना। चलो ये लगी है मुझे इस डीजल मिनोज पे जी मैन के, मजा आ गया। जो वीडियो आपने देखा है इसी रबर शेड पे मैंने बारामुंडी पकड़ी, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से शेड फटा है, और कोई अगर दूसरा रबर शेड होता तो कंफर्म
यहाँ से उसका हुक पूरा बाहर आ गया होता। मैंने जितने भी अभी तक रबर शेड पे फिश पकड़ी है, इतना ज़्यादा रेजिस्ट किसी भी सॉफ्ट प्लास्टिक ने नहीं किया है, बट जितना ये है ये बहुत ही माइनर है गाइस। आपने भी शायद से रबर शेड पे मच्छियाँ पकड़ी होगी तो आपको उनका रिजल्ट पता होगा कैसा होगा। ये रबर शेड है, इस पर भी मैंने पहले बारामुंडी पकड़ चुकी है एक ही स्ट्राइक में गाइस। इसका हाल क्या किया है देखो, आप देख सकते हो इसको पूरा फाड़ चुका है ये। तो आप कंपेयर कर सकते हो उस रबर शेड को इस रबर शेड से। इसको मैंने ऑलरेडी चिपकाया हुआ है गर्म करके, ये यहाँ से पूरा फाड़ दिया था इसने बारामुंडी ने। ये अभी तलब है क्वालिटी वाला ल्यूर। मच्छी के खींचने पे मेरे खींचने में काफ़ी फ़र्क होता है, तो मुझे लगा कि बारामुंडी इसको फाड़ देगी पूरी तरह से, बट इसका इलास्टिक होने की वजह से बारामुंडी ये रबर शेड को फाड़ नहीं पाई सॉफ्ट प्लास्टिक को। और मेरे ख्याल से मैं इसको और इस पर 10-15 बारामुंडी ईजिली निकाल सकता हूँ। अगर मैंने इसी को इसी के प्लास्टिक में रखा तो ही यूज़ कर पाऊँगा, वरना ये गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा, ये शार्ड का हाल देखिए गाइस क्या हो गया। ये दूसरे ब्रांड का शार्ड है, इस प्लास्टिक को मैंने इसके बाजू में रखा था तो ये एकदम ही कड़क हो गया, जैसे कि मरी हुई मच्छी जैसे कड़क हो जाती मरने के बाद, वैसे हो गया है गाइस ये, अनबिलीवेबल। और इसका हाल तो देखिए, ये पूरा बुरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है ट्रॉइंग। तो इसको हमें इसी के प्लास्टिक में रखना है, क्योंकि इसमें जो कुछ केमिकल होता है जो उसकी लाइफ बढ़ाता है, इसको मेल्ट होने नहीं देता है। तो हमें Z-Man के रबर शेड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रबर शेड, इट्स एन आउटस्टैंडिंग सॉफ्ट प्लास्टिक गाइस। तो इसको हमें हमेशा इसके पैकेट में ही रखना चाहिए, तो ही इसकी लाइफ बनी रहेगी। और एक रबर शेड गाइस इसका मेल्ट हो गया, मैंने दूसरे ऑर्डिनरी बॉक्स में इसको रखा था, ये भी बहुत बुरी तरीके से मेल्ट हो गया है। कंपनी ने मुझे ये सब चीज़ें टेस्ट के लिए भेजी है, तो ये सब चीज़ कैसे काम करती है मुझे ज़रूर आपको बताना, मेरा फ़र्ज़ है। तो आप ये मेरा काम, मेरा जॉब आपको कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वाव क्वालिटी है गाइस, वाव सुपर्ब स्ट्रेचिंग। ये 10x टफ है, बट ऐसा नहीं है कि ये फटेगा नहीं। मच्छी के कोई कोई मच्छी होती है पफर फिश जैसी, तो डायमंड भी वैसे देखा गया तो वर्ल्ड का टफेस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है, उसको भी वो भी कटता है वो भी, तो ये तो 10x मैं कंपेयर करूँगा। बाकी जितने भी रबर शेड्स आते हैं जो भी अदर ब्रांड्स के, उससे तो मैंने अभी काफ़ी सारे रबर शेड्स यूज़ किए हैं, उससे तो काफ़ी ये टफ़ लग रहा है मुझे। तो फोक्स, जैसा कि आपने देखा Z-Man के सॉफ्ट प्लास्टिक एकदम रफ़ एंड टफ़ है। इसको मैंने आपके आंखों के सामने टेस्ट किया है, मच्छी लैंड की है। Z-Man जो प्रोवाइड कर रहा है इसकी क्वालिटी वाकई में मुझे बहुत इंप्रेस कर चुकी है। आप लोग भी ज़रूर इसको अपने टैकल बॉक्स में इन्वॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, और इसके एक ही सॉफ्ट प्लास्टिक से आप इस पर ढेर सारी मच्छी टारगेट कीजिए। ये मेरी गारंटी है, 10 मच्छी आप इजीली इस पर लैंड कर लोगे, और ये आपको ऑल ओवर इंडिया में हर एक टैकल शॉप में मिल जाएगी। और अगर कोई भी टैकल शॉप वालों के पास Z-Man के सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, तो ज़रूर आप इन बेहतरीन क्वालिटी वाले सॉफ्ट प्लास्टिक को अपने टैकल शॉप में एंग्लर्सों के लिए प्रोवाइड कीजिए। ये वाकई में रफली टेस्टेड एंड प्रोवन सॉफ्ट प्लास्टिक है। तो एंग्लर्स और टैकल शॉप वाले, अगर आप लोगों को Z-Man के रबर शर्ट चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। ये आपके पास विद इन 1 वीक में ही आ जाएगा।